गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट हम एग्जांपल्स 5 और 6 के बेस से हम बात सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर। यानी 3 डिजिट्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 डिजिट की हमारे पास डिजिट हो उसको 3 डिजिट के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 3 डिजिट की जो होगी 4 डिजिट का, यहाँ पर 4 डिजिट होगी उसको 3 डिजिट के साथ। देखो किस तरीके से करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 641 बाय 117। 641 बाय 117, ठीक है। अब इसका फर्स्ट मैटर जो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास डिजिट है 641 मल्टीप्लाई 117। तो मैंने जैसे कल बताया था कि हमारी जो सेकंड फॉर्म की जो डिजिट होगी उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देंगे। तो 117 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 प्लस 7, ठीक है। तो हमारी 3 डिजिट हैं, इनको 3 प्लेस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको 3 प्लेस पर हम एक्सपेंड कर देंगे। अब देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो। हमारी जो डिजिट है 641 को हम लेंगे और ये एक्सपेंडेड फॉर्म ले ली। अब 641 मल्टीप्लाई हमारी जो डिजिट कौन कौन सी हैं, 100 प्लस 10 प्लस 7। तो अब इसको 641 को पहले 100 से करेंगे, प्लस 641 को 10 से करेंगे, प्लस 641 को 7 से करेंगे। जिस तरीके से कल हमारे पास 2 डिजिट्स थी, तो हमने उसको जैसे 39 था तो 30 प्लस 9, 35 था तो 30 प्लस 5। अब ये 100 प्लेस पर 3 डिजिट फॉर्म है, तो ये 100 की डिजिट हो गई, ये 10s की हो गई, ये 1s की हो गई। अब 641 का हम 100 से करेंगे, तो इसमें आप वही रूल लगाओगे जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सिखाई थी, कि जो अगर हमें ऐसी डिजिट्स में मल्टीप्लाई करना हो तो डिजिट को एज इट इज़ लिख कर जितनी जीरोज़ हैं वन के साथ राइट हैंड साइड में उतनी जीरोज़ इंक्रीज कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में 10 है, तो इस अब 641 के साथ क्या करेंगे, 10 लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 7, तो 7 के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 का 1 से करेंगे तो 7, 7 का 4 से करेंगे 28 का 2 कैरी फॉर्म, 7 6 या 42 और 2 44। अब क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। देखो सेवन नाइन नाइन 14 और 7, तो हमारा आंसर आ गया 74997, ठीक है। ये मेथड सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद इसका दूसरा जो मेथड है जो कल हमने किया था उसको देखते हैं। इसमें हम डिजिट को लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन पोजीशन पे, और जहां ये हमारी सेकंड प्लेटफॉर्म जो लिख रही है इसको वही एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे। यहां पर 100 प्लस 10 प्लस 7। अब सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से, तो यहाँ लिख लेंगे 641 मल्टीप्लाई 7। तो हमारा 641 मल्टीप्लाई 7 क्या आया था, 4487। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है हमारी, 10, तो 641 मल्टीप्लाई 10, तो इसमें क्या आ जाएगा, 6410। इसके बाद हमारी थर्ड डिजिट क्या है, 641 मल्टीप्लाई 100, तो अब हम इसमें हम क्या करेंगे, 100 के लिए जो हमारी डिजिट है उसके लिए यहाँ पर 20s लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब इसको प्लस कर देंगे, देखो दोनों का आंसर सेम है 74997। यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी कल, क्योंकि कल हम 2-3 डिजिट्स के सीख चुके हैं, आज हमारे 3 डिजिट और 4 डिजिट की फॉर्म्स के हैं। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है, ये तो थी हमारी 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, अब हमारे पास है 4 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर हम पहले अपनी डिजिट लिख लेते हैं, 3617 मल्टीप्लाई 258। इसे पहले हम फर्स्ट मेथड से करेंगे, तो जिस तरीके से हमने 117 को पहले
एक्सपेंड किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था 100 प्लस 10 प्लस 7, वैसे ही इसको करेंगे 200 प्लस 50 प्लस 8। तो देखो पहले इसकी मैं अलग से 258 की एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लेता हूँ। अब लिखेंगे 3617, ये जो डिजिट लिख ली, अब इसके बाद मल्टीप्लाई 200 प्लस 50 प्लस 8, ठीक है। अब इसको अलग अलग शो करेंगे, 3617 मल्टीप्लाई 200 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3617 मल्टीप्लाई 50 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3617 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। जिस तरीके से हमने इसको अलग अलग ग्रुप में लिया था, ये थ्री डिजिट्स थी, अब ये इधर हमारी नीचे थ्री प्लस थ्री डिजिट्स हैं और ऊपर कितनी डिजिट हैं 4। तो अब इसको तो हम अपने उस मेथड से कर सकते हैं, देखो 3670 मल्टीप्लाई 2 और इंटू 100, ठीक है। अब इनको हम उसके साथ करेंगे, तो इसको इससे कर लेते हैं, इसको पहले एज इट इज यहीं लिख कर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 जा 14, 21 जा 2 और 13, 26 जा 12, 23 जा 6 और 1 7, तो हमारी डिजिट आ गई 723। अब इसके साथ है ये 100, तो 100 से क्या हो जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे 723 00, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट हमारी 50 है, तो इसका हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 3617 इंटू 50, तो ये 4 टाइम 0 आ जाएगा, 5 7 जा 35 का 3 और ये 8, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा 180850, जैसे यहाँ लिख लेंगे हम 180850। इसी तरीके से 3617 का जिस तरीके से हम इसको अब जिस तरीके से हम इसको अब करेंगे अब जिस तरीके से हम इसको करेंगे जब इस, अब यह 50 के साथ ही इसका मल्टीप्लाई करना है, अब इसको हम कर लेंगे, इसकी डिजिट को हम सॉल्व कर लेंगे, 3600 इंटू 50। अब इसका मल्टीप्लाई इसको एज इट इज पोजीशन पे यहाँ लिख लेते हैं। अब इसका हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा देखो 8 7 जा 56, 8 और 5 13 का 1, 8 6 जा 48 और 1 49, 8 3 जा 24 और 3 27, 2793 28936, ठीक है। तो यहाँ अब हम लिख लेंगे 28936। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे और इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 933186। ये आपका थ्री डिजिट्स को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट मेथड हुआ। ये थोड़ा मैंने लॉन्ग इसलिए समझाया है कि आप इस मेथड को याद रखो, नहीं तो इस लाइन को ना करके आप इसका डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके इस पोजीशन को ला सकते हो। अब इसका सेकंड मेथड देखो, वही हम जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3617 मल्टीप्लाई 258। अब इसके अंदर भी वही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3617 का पहले 8 से, ठीक है, तो 3617 का 8 से करेंगे तो आएगा 287936, ठीक है। फिर हमें करना होगा 3617 का 50 से और फिर 3617 का 200 से। तो ये सब हम इस क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था 180850 और 200 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था 723 00।
अब इन सबको प्लस करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने थ्री डिजिट को फोर डिजिट से मल्टीप्लाई करना देखा। इन्हीं के बेस पर आज आपको आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो थ्री डिजिट हैं सारे क्वेश्चंस, और फर्स्ट रो में और सेकंड रो में हैं फोर डिजिट में थ्री डिजिट, इनको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद इसके नीचे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले आज आप इनके ऊपर के, अभी मुझे सब बच्चों ने दोनों मेथड से क्वेश्चन सेंड नहीं किए हैं। पहली चीज़ तो बहुत कम बच्चों ने वर्क सेंड किया है, उसके बाद जिन्होंने सेंड किया था उनमें से दोनों मेथड से नहीं किया था, तो इसलिए आज आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, केवल 3 और 4 को अभी नहीं देखोगे, इन दोनों क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करोगे और मुझे सेंड करोगे। तो आज इस मेथड में आपको कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।